रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे दाल चना फ्राई, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो इसके लिए हम चीज़ें देख लेते हैं। दाल चना ली है मैंने एक कप, इसको अच्छे से धो के आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ है। ऑयल हम लेंगे आधा कप, आप घी या ऑयल अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज 2 अदद मीडियम साइज के चॉप किए हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, टमाटर 2 अदद छोटे साइज के चॉप किए हुए, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, मसाला 1 टीस्पून, हरी मिर्च लेंगे 4 अदद इस तरीके से कटी हुई, हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ, और उसके साथ अदरक लेंगे बारीक कटी हुई गार्निश के लिए। और दाल को बॉयल करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम दाल चना को जो है वो बॉयल करेंगे। तो दाल चना को बॉयल करने के लिए हम एक बर्तन में दाल को डाल देंगे। दाल को बॉयल करने के लिए हम पानी का खुला इस्तेमाल करेंगे ताकि दाल हमारी जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम निकाल देंगे। अब हम दाल को कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे, और उसके बाद चेक करते हैं। अच्छा ये देखें, 20 से 25 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल जो है वो अच्छे से उबल गई है। याद रखिए कि दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। दाल को चेक करने का तरीका ये है कि जब इसको दबाया जाए तो ये दब जाए, तो इसका मतलब है कि हमारी दाल जो है वो गल गई है। तो अब हम इसे एक लैदा बर्तन में निकाल लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे, और जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी वो पानी हम थोड़ा सा रख लेंगे। दाल को मैंने लैदा बर्तन में निकाल लिया है, अब मैं इसी बर्तन में डालूंगी ऑयल। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज डालने के बाद हम प्याज को लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये देखें प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो चुकी है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, सिर्फ इसको हल्का सुनहरी करना है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी प्याज के साथ 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए लहसुन अदरक 1-2 मिनट में प्याज के साथ भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। और इसमें डालेंगे मसाले, सबसे पहले डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भून लेंगे। पानी में वो इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने दाल में से निकाला था, मसाला भूनने में भी मैं उसी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करेंगे 1 से 2 मिनट ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये देखें टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इस तरीके से हम टमाटर को मैश करेंगे साथ और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें टमाटर अच्छे से मैश हो गए। अब यहीं पे हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें थोड़ी सी। थोड़ी सी हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। हरी मिर्चों को भी मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर मसाले में अच्छे से शामिल हो जाए। याद रखिएगा कि मसाला जितना अच्छा भुना होगा हमारी दाल उतनी ही मज़े की बनेगी। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाले से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबली हुई दाल। ये देखिए दाल में मैंने इतना सा पानी रखा है और पानी के साथ ही मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल में पानी रखने का मकसद ये था कि दाल में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो वो इसमें पूरी हो जाए और मसाला भी अच्छे से रच जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि तमाम मसाला दाल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी दाल जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अच्छा जी, ये देखें 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें दाल जो है वो तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी,
यहीं पे हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, बाकी गार्निश के लिए बचा लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने दाल को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको इसी तरीके से पकने देंगे। अच्छा जी, मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया डाल के इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाया है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये देखें हमारी दाल जो है वो तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देंगे। तड़के के लिए हम जीरा लेंगे और जीरे के साथ मैंने 3 अदद मोटी गोल लाल मिर्च ली है। सॉरी, ये मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई थी। तो अब हम इन 2 चीज़ों के साथ जो है वो तड़का लगाएंगे दाल में। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 3 मोटी लाल मिर्चें। इनको सिर्फ चंद सेकंड के लिए ऑयल में तड़क लूंगी। चंद सेकंड ऑयल में तड़कने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, और जीरा को भी सिर्फ चंद सेकंड के लिए हमने इसमें तड़कना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाए। याद रहे कि जीरे को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं। ये देखिए हमारा तड़का तैयार है, अब मैं इसको दाल में लगाऊंगी इस तरीके से। तड़का लगा दूंगी, दाल चना फ्राई तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक मट्टी की हांडी और इसमें इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। तैयार है दाल चना फ्राई, वो भी ढाबा स्टाइल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को प्रेस करना मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।